नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको खजूर से होने वाले फ़ायदे और उसके उपयोग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, खजूर का जो है कि कई चीज़ों में उपयोग किया जाता है, कई ऐसी बीमारियों में, रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, तो आज मैं आपको बताऊँगा। तो पहला है दाद, खाज, खुजली में इसका प्रयोग। तो छुहारे की गुठलियों को जलाकर उसकी राख में कपूर और घी मिलाकर लगाने से आराम मिलता है दांत खाज और खुजली में। दूसरा है धातु पुष्टि। छुहारे की गुठलियों को बारीक पीस कर उसमें बादाम, विही दाने, चिरौंजी, पिस्ते तथा शक्कर मिलाकर घी में भून लें। सप्ताह के उपरांत इसका सेवन शक्तिदायक एवं धातु पुष्टिदायक होता है। तीसरा है नशे में। शराब अथवा अन्य किसी भी तरह के नशे के हावी होने पर खजूर के फलों को पानी में भिगोकर उसका रस निकालकर निचोड़ें और फिर उसका सेवन करना जो कि नशे को कम करता है। चौथा है ज्वर पर। अदरक, अंगूर के साथ छुहारे को घी तथा दूध में उबालकर पीने से ज्वर ठीक होता है। पांचवा है खजूर के फलों का रस पीना जो है कि दाह को कम करता है। छठा है सर्दी में। तो जानवरों को सर्दी जुकाम होने पर छुहारे की गुठलियों को पीसकर उसका चून आटे में मिलाकर देने से आराम मिलता है। सातवा है शक्ति वृद्धि के लिए। खजूर के फलों की गुठली निकालकर उसे साफ पानी में घोलकर इसे दूध में डालकर खौला लें। जब ये पूरी तरह गल जाए इसे कपड़े से छान लें। इस प्रकार तैयार औषधि बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और आठवां है खजूर के फलों को शहद के साथ सेवन रक्तपित्त में लाभकारी होता है। नौवां है खजूर के फलों का रस पीना जो है कि आमावात में हितकारी होता है। और दसवां है मासिक ऋतु साफ न आने पर अथवा स्त्रियों के पेट दर्द में छुहारों का महीन चूर्ण जो है कि रोजाना सुबह शाम घी के साथ लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी छुहारे के उपयोग के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।